सुपर फास्ट को स्वागत करुछि मुनिवेदिता। संपूर्ण खबर देखिबा एडिकी बदलिबा राजीव गांधी खेलरत्न पुरस्कार ना। ए पुरस्कार एडिकी परिचित एप मेजर ध्यानचंद खेलरत्न अवार्ड भावे विषय ट्विट जगे सूचना देखते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। देशर संख्याधिक क्रीड़ाप्रेमी मेजर ध्यानचंद ना खेलरत्न पुरस्कार को नामित करने अनुरोध कर आसते। देखिए इससे ज़्यादा ऐतिहासिक कुछ भी नहीं हो सकता। मेरा हमेशा ये मानना रहा है कि जो खेल अवार्ड है वो खिलाड़ी के नाम होने चाहिए, और मेजर ध्यानचंद से बड़े खिलाड़ी इस देश में हुए नहीं है। जिस तरीके से उनकी अचीवमेंट है इस देश के लिए, तो बहुत ऐतिहासिक है। मुझे पूरा विश्वास है पूरा देश इसका समर्थन करेगा और पूरे देश आज खुश होगा इस अवार्ड को रीनेम करने के बाद। खबर देखा संक्षेप में, विदेश में भारतीय स्टेक होल्डरों के साथ प्रधानमंत्री मोदी वर्चुअल माध्यम से कथा होते हैं। सरकार आपको हर प्रकार से सपोर्ट देगी। आइए हम आत्मनिर्भर भारत के, वैभवशाली भारत के संकल्प को मिलकर के सिद्ध करें। आप सभी को मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। एक सप्ताह के बाद विश्व भर में हमारे मिशन्स और भारत में भी हम 15 अगस्त मनाएंगे। आजादी के अमृत महोत्सव की विधिवत शुरुआत भी हो जाएगी। मैं चाहता हूं कि एक हमारे लिए प्रेरणा का कारण बनना चाहिए। दुनिया में प्रभाव पैदा करने के लिए, दुनिया में पहुंचने के लिए ये आजादी के 75 साल अपने आप में हमारे लिए एक बहुत बड़ी प्रेरणा का अवसर है। और 2047 देश जब आजादी के 100 साल मनाएगा, उस पर ये 25 साल का समय हमारे लिए बड़ा मूल्यवान समय है। हम एक पल भी खोए बिना अभी से एक रोडमैप लेकर के आगे चले, और मुझे विश्वास है आज की बातों से कि हम सब इस संकल्प को परिपूर्ण करेंगे, हम संकल्प को पार कर जाएंगे। इसी पूरे विश्वास के साथ मैं आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। लड़ेकरी हारा भारतीय महिला हॉकी टीम ग्रेट ब्रिटेन विपक्ष में लड़वा प्रदर्शन करने सत्वे 3-4 हारा टीम इंडिया। फिर ओलंपिक्स में भारत पदक आशा अधूरा रही जाती। द्वितीय क्वार्टर आरंभ में ग्रेट ब्रिटेन आगे, भारतीय दल शेष दृढ़ प्रतिशोध नहीं। द्वितीय क्वार्टर 0.2 तल को खसीदापर भारतीय दल 5 मिनिट मधे 3 गोल स्कोर कर 3-2 अग्रणी हासिल करता। तृतीय क्वार्टर में ब्रिटेन तृतीय गोल स्कोर 3-3 तेज। चतुर्थ क्वार्टर में ब्रिटेन चतुर्थ गोल दे मैच को निज पक्ष हाँ कड़ा टक्कर देखिए। आज यही प्रथम थर्ड ओलंपिक इंडियन हिस्ट्री थर्ड ओलंपिक रे हमें सेमी फाइनल जी कड़ा टक्कर देखिए। लास्ट ओलंपिक चैंपियन को कड़ा टक्कर देखते बहुत भल डेवलपमेंट होम वुमेन्स टीम रे। मुझे बारंबार कही आसु यही ओलंपिक रे पुरुष अपेक्षा झील पिला परफॉर्मेंस बहुत भल रही। देखते जी बोली भाव में वर्तमान पुरुष एवं महिला दल यही ओलंपिक रे जो भाव परफॉर्म कले जो भाव खेल खेलिले कि समस्ते आम बाध्य हॉकी देखापी समस्त सबू एरिया रे सबू क्षेत्र रे डेवलपमेंट देखा जाए। सो निश्चय आमर जो आगामी पीढ़ी अच्छा जी हॉकी खेल चाहते हॉकी मध्यम जी आगे बढ़िया चाहते मन में गोटे कॉन्फिडेंस विश्वास आसी कि आम भविष्य में ओलंपिक वर्ल्ड कप रे आम जीति पारू भल खेली पारू। सो आम धन्यवाद आम बर्तन मेन्स वुमेन्स टीम को कि यही ओलंपिक रे परफॉर्मेंस एक्सेलेंट रही। हारिबा परे मिलला देशर प्रधानमंत्री को छु आश्वासना। ब्रिटेन ठू ब्रोंज मुकाबला हारिबा परे आसीला मोदी को कॉल और खिलाड़ी मनोबल बढ़ावा सह महिला हॉकी टीम रो प्रदर्शन को प्रशंसा करते मोदी। पदक न जीति हृदय जीति पारिछंती, पराजय रे निराश न होई आगो को बढ़िबा को मंत्र देथिले मोदी। सेमीफाइनाल हारे बजरंग पुनिया। ओलंपिक्स रेसलर बजरंग पुनिया दमदार प्रदर्शन जारी रखिते भी सेमीफाइनाल परास्त होती। पुरुष 65 किलोग्राम फ्री स्टाइल सेमीफाइनाल रेसलिंग रे से आजर वैजान हॉकी अलीभा 15-5 परास्त होती। तेज पुनिया ब्रोंज पदक लड़े।
अपरिवर्तनीय रही भारत रेपो रेट पूर्व जपरी 4% रेपो रेट रही है एवं से ही 4% रही 2021-22 आर्थिक वर्ष पर देशर अर्थनैतिक अभिवृद्धि 9.5% हासिल हो लक्ष्य रखाई तेज इस समय मध्य सीपीआर 5.7% रही आशा कर घर खाउटी चाहिदा निवेश और बाह्य चाहिदा पुणी वृद्धि पाई पूर्व ट्राक को फेर कई देश में लोकप्रियता हासिल कर जन औषधि केन्द्र या माध्यम लोकों सुलभ मूल्य अनेक प्रकार दरकारी औषध जोगाई दीजिए चलित वर्ष अगस्ट 2 तारीख सुधा देशर प्रत्येक राज्य और जिले में मोट 8001 जन औषधि केन्द्र खोल जाए एक लिखित उत्तर मध्यम राज्यसभा सूचना देते केन्द्र स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री मनसुख मांडव्य मंत्री सूचना अनुसार प्रधानमंत्री भारतीय जनऔषधि परियोजना अधीन में देश में एपर्यंत मोट 8001 जनऔषधि केन्द्र खोल सहित स्टोर मालिकों 5 लाख टंका पर्यंत प्रोत्साहन राशि प्रदान कर नुआ कृषि आईन और कृषक मान समस्या उपर आलोचना सबुबले प्रस्तुत रही मोदी सरकार ए प्रकार आलोचना प्रकृत प्लाटफर्म हो संसद तेबे संसद उभय गृह चलता बेले विरोधी माने कृषि आईन और कृषक मान समस्या विषय गृह में आलोचना करने को चाहूना ओलटा कृषि और कृषकों को नहीं केवल राजनीति करुछन्ति विरोधी संसद में आलोचना बदल में हंगामा करने आज दिल्ली जंतर मंतर में धारणा देते कांग्रेस समेत अन्य विरोधी दल देखिए किसान यूनियन के लोग किसी राजनीतिक दल के लोगों को बुलाना नहीं चाहते ये तो परिस्थिति वैसी हो गई मान ना मान मैं तेरा मेहमान अगर प्रतिपक्ष के लोगों के मन में किसानों के लिए थोड़ा सा भी चिंता है तो भारत सरकार दोनों सदनों में कृषि पर चर्चा करने के लिए तैयार है तो प्रतिपक्ष चर्चा क्यों नहीं कर रहा है अगर चिंता है तो प्रतिपक्ष के जो सांसद हैं उनके लिए चर्चा करने के लिए विषय उठाने के लिए लोकतंत्र में सबसे सशक्त माध्यम संसद है तो संसद में बात नहीं करना और जाकर इस प्रकार के कार्यक्रम करना ये सिर्फ इतना ही प्रदर्शित करता है कि मीडिया में उनको किसी न किसी बहाने जगह चाहिए वयस्क लोकों प्रति कोविड संक्रमण जी आशंका रही पिला प्रति आशंका रही निकट में आईसीएमआर द्वारा होता सेरो सर्वे प्रमाणित हो पिला समेत देशर 65% देह में आंटीबॉडी सृष्टि होता जमापड़ तेज कोविडर तृतीय लहर पिला अधिक संक्रमित करोसी वैज्ञानिक प्रमाण मिलना तेणु से बेस चिंतित होगा उचित नुहे तथा आगामी 6 मास सचेतनता अति गुरुत्वपूर्ण विश्व स्वास्थ्य संगठन मुख्य वैज्ञानिक सौम्य स्वामीनाथन एहारी मध्य संपूर्ण व अधिकांश लोकों टीकाकरण होते विपद टले जेपर्यंत उभय सरकार और जनसाधारण को सचेतन रहिबाको पड़िबो बोली से परामर्श देछन Children have had as much infection as adults. We have seen in the ICMR Sero survey that 65% of both adults and children have already been infected and have antibodies. This means that children are very mildly affected by COVID. They have either no symptoms or very mild symptoms. So we should not get too worried about third wave affecting children. There is no scientific basis that third wave will affect children. What we have to make sure is that we don't allow the virus to mutate further and get more variants because the next variant could be worse than the Delta variant. So the best way of avoiding any future new variants is to control the transmission, control infection. This can only be done. Both government and the public have to follow their responsibilities. The people advice is to maintain all the precautions that they are very well aware of for some more time. I know everybody is getting tired. You want to meet family and friends, you want to have parties, you want to go out. This is not the time to let down your guard. Let us be careful for another 6 months or so. By then, if the vaccination coverage in the country is very high, जम्मू काश्मीर धारा 370 हटा को 2 वर्ष पूरण होवसर में इस्लामिक सहयोग संगठन जो मंतव्य देखे भारत सरकार खारज करते देशर आभ्यंतरण प्रसंग में ओआईसी हस्तक्षेप को भारत सरकार ग्रहण करना धारा 370 हटा भारत आभ्यंतरण प्रसंग यह प्रसंग में ओआईसी बयानबाजी दूरे रहा ठीक है वैदेशिक मंत्रालय एक बृत्ति जारी करईसी सेक्रेटरी जेनेल मंतव्य को खारज कर संपर्क में सूचना दी
खूब शीघ्र आसाम एवं मिजोराम सीमा बिवाद अंत हो दुई राज्यर सीमार बदय स्थान में फोर्स मुतयन नकरने को उभय राज्य निष्पत्ति दुई राज्यर निष्पत्ति केन्द्र सरकार स्वागत करते आसाम और मिजोराम मध्य जारी सीमा बिवाद मध्य उभय राज्य सरकार गतकाली मिलित बयान जारी करते तेरे दुई राज्य आलोचना मध्यम समाधान रास्ता बाहर करने को सहमति प्रकाश करते मिजोराम को यात्रा नक आसाम सरकार जारी करजर आडभइजरी को फेर निष्पत्ति सीमा बिवाद दुई राज्यर मुख्यमंत्री और केन्द्र गृह मंत्रालय द्वारा दी जा पदक्षेप आगक बढ़ावा सह आलोचना माध्यम से समाधान उभय राज्यर पक्ष जारी होता मिलित बयान में कह लदाखे सीमा बिवाद को नहीं चीन और भारत मध्य सृष्टि होता उत्तेजनामूलक परिस्थिति द्वादश कमांडर स्तरीय आलोचना पर शांत पड़ी उभय देशर बिवादीय स्थानगुड़िकर अस्थायी निर्माण को भंगाजा सहित सेना अपसारण कर संपर्क में शुक्रवार प्रेस रिलीज जारी कर सूचना देते भारत प्रतिरक्षा मंत्रालय सूचना अनुसार गत जुलाई 31 तारीख दिन द्विपक्षर उच्च कमांडर स्तरीय आलोचना पर उभय पक्षर अनेक गुरुत्वपूर्ण निष्पत्ति एलओसी गोग्रा अंचल उभय पक्ष निज निज सेना हटे नहीं अगस्ट 4 और 5 तारीख में यह कार्यकारी होगक आउ एलओसी बिवाद अंचल में कहीं निजर सेना मुतयन करे कि कौन स्थायी अस्थायी निर्माण करे निष्पत्ति जम्मू काश्मीर राजौरी ठारे एनकाउंटर में दुईज कुख्यात आतंकवादी निहत होता सूचना मिली राजौरी जिलार थानमंडी जिलार जंगल अंचल में किसी आतंकवादी सूचना पाई सुरक्षाकर्मी को मिलता जो दुईज पाकिस्तानी किंवा आतंकवादी रही भारतीय सेना और सुरक्षाकर्मी डिजिटल सर्वेलांस द्वारा आतंकवादी ठिकना संपर्क में सूचना पाया ऑपरेशन आरंभ होता सुरक्षाकर्मी जोरदार आक्रमण करने एनकाउंटर करते दुईज कुख्यात आतंकवादी मृत्यु हो तेज सुरक्षाकर्मी तरफ स्थानीय अंचल में सर्च ऑपरेशन जारी रही जमापड़ कोविड टीकाकरण धार्य लक्ष्य पूरण दिगरे आगे चलती भारत देशर टीकाकरण खूब शीघ्र पहुंच 50 कोटी सर्वे सर्वशेष सूचना अनुसार अगस्ट 6 तारीख सुधा सर्वभारतीय टीकाकरण अभियान में लोकों मोट 49.53 कोटी कोविड टीका दि सर देश में संक्रमण मुक्त होगा लोकों संख्या पहुंची 3 कोटी 10,15,844 केवल गत 24 घंटे देश में 41,96 जन संक्रमित आरोग्य लाभ करते देश में आरोग्य हार रही 97.36%। संक्षेप में आउ किसी खबर देखा किंतु समय का छोट ब्रेक स्वागत गत दुई दिन धरी राज्य में पॉजिटिव संख्या 1300 ऊपर रोता बेले आज ता सामान्य खसी गत 24 घंटा मध्य राज्य में 1208 जन कोरोना पॉजिटिव चिन्हट होते 702 जन संक्रमित केन्द्र रोता बेले स्थानीय संक्रमण 506 जन पॉजिटिव चिन्हट होते खोर्धा जिलूर सर्वाधिक 319 जन आक्रांत रही कटकू 173 बालेश्वर 63 जगत सिंहपुर 60 पुरी 58 जाजपुर 57 अनुगुल 55 और स्टेटपुर 84 जन कोरोना पॉजिटिव चिन्हट होते वर्तमान सुधा राज्य में 984,731 जन पॉजिटिव चिन्हट होते 965,370 जन सुस्थ होती एवं भी राज्य में 13,006 जन सक्रिय संक्रमित रही भाइरस केते संक्रमण क्षम ता आर भैल्यू देखाए आर भैल्यू एक उपरे रहिले के संख्या बढ़ी बढ़ी चलो बोली थ्योरी कहती किंतु गला सप्ताह में कटक पुरी और खोर्धार जहां संक्रमण संख्या था एवं ता कमी मैंने आर भैल्यू एक रु कम अच्छी जेकोसी मामले केस बढ़ा कमे एक नियमित धारा किसी राज्य में संक्रमण बढ़ी किसी राज्य में कमुच्छ सामग्रिक भाव भारत में गत 15 दिन है संक्रमण स्थिर रही कहते डीएमबीटी सीबीके महांति जदि आर भैल्यू एक रूपये सतरे क्षेत्र में प्रतिफलित होता निश्चित भाव में संख्या बढ़ी बढ़ी जाता कि आप लक्ष्य करते संख्या कमी कमी चली जदिव धीर गति में तेणु आम कमी कह आर भैल्यूटा जोटा कि काल्कुलेसन कराई से फिल्ड में क्षेत्र में प्रतिफलित होमती कहले आर भैल्यू मान कौन आर भैल्यू हूँ जत काल्कुलेसन कराए जितेबले समाज सबू कम्युनिटी समस्ते ससेप्टेबल था बस समस्त को संक्रमण होवार चान्स अच्छी एक नंबर दुई नंबर जितेबले कौन सी लोक संक्रमित हो न समाज कि वैक्सीनेशन प्रोग्राम आरंभ हो नाहरें लोक रोग प्रतिरोधक शक्ति नु बर्तमान तो पिस्थित बदली गला
आसंता 16 तारीख रु यूट्यूब फिजी क्लासरूम पाठपढ़ा 16 रु खोल विश्वविद्यालय कलेज फिजी प्रथम वर्ष यूट्यूब प्री शेष वर्ष छात्र छात्री क्लासरूम पाठपढ़ा यूट्यूब फिजी फाइनाल परीक्षा अनलाइन मोड रहा है। इन्हें उच्चशिक्षा विभाग पक्षर ट्विट जगे सूचना दीजिए कोरोना कटक मध्य शिक्षानुष्ठान खोलने विभाग निष्पत्ति तेज शेष वर्ष छात्र छात्री परीक्षा चलू कैंपस को आसवर कौन आवश्यकता नहीं बाकी छात्र छात्री को क्लासरूम पाठपढ़ा आरंभ करा कोरोना जो एपर्त प्रथम सेमिस्टर पाठपढ़ा संपूर्ण शेष होना अधिकांश कलेज और विश्वविद्यालय इंटरनल असेसमेंट मध्य होना एभली परीक्षा करने को विश्वविद्यालय गुड़िक विज्ञप्ति प्रकाश कर पुलिस भर्ती में मद लोकों पर दादागिरी गणमाध्यम को माड़ मद पी मतिले बंदर मेराइन थाना आईआईसी अजय मदुरी गणमाध्यम प्रतिनिधि मद्यप आईआईसी आक्रमण एपरिक आईआईसी कहते मु थाना अधिकारी अंचल मालिक मोर कई किसी करें प्रादीप्रे अर्गस प्रतिनिधि विश्वजित बराला आक्रमण हो कैमेरा देखी प्रतिनिधि को धक्का मारे और बोम छड़ाई ने आईआईसी तेरे ये प्रश्न उठू क्या बल में मद्यप आईआईसी अभद्र व्यवहार गणमाध्यम उपर आक्रमण आईआईसी को किए इनिशियल ट्रांसफर करा जाए हेडक्वार्टर अटैच करा जाए जगह गोटे अलग इन्स्पेक्टर को पोस्ट करा जाए सेठी और डीएसपी को गोटे आम इनक्वारी दि जाए इनक्वारी रिपोर्ट हिसाब से आम अगेंस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन जो भी होगा रिकमेंड कर इनक्वारी रिपोर्ट आसला आम हेडक्वार्टर को एप्रोच करूँ हेडक्वार्टर जो डिसीजन देव जिते शीघ्र देव से शनिवार और रविवार दिन पर्यटकों बंद नंदनकानन प्राणी उद्यान बटनिकल गार्डन सोमवार शुक्रवार सकाल 7:30 रु संध्या 5:30 पर्यंत पर्यटकों खुला नंदनकानन और बटनिकल गार्डन ने सूचना देते नंदनकानन निर्देशक पर्यटकों खुशी खबर नंदनकानन प्राणी उद्यान पर्यटक ने डबल मजा खुब शीघ्र गढ़ ट्रेन तेज एने प्राथमिक स्तर में परीक्षा कर नंदनकानन घंच जंगल मध्य गढ़ टॉय ट्रेन बुली मुक्त जीवजंतु देखा सहित कांजिया ह्रदर मजा नहीं पारे पर्यटक भिन्नक्षम लोकों बस सुविधा कर ट्रेन भितर मझे स्वतंत्र अंचल हरिण और बैर रखा सहित ट्रेन सफारी बेले सब् देखि मजा उठाई पारे पर्यटक रंगे लुंडा और जयपुर उड़ीबा विमान उड़ाण अन्य योजन दुईट स्थान विमान उड़ा नहीं योजना शेष पर्यायर पहुंची एने राज्य सरकार अनुमोदन देते दुईट एयार स्ट्रिप संपूर्ण प्रस्तुत हो सारा रंगे लुंडा और जयपुर विमान वैजाक उड़ स्थित समीक्षा पर चूड़ा निष्पत्ति गतल एक उच्चस्तर बैठक बसला बैठक में निष्पत्ति में मुख्यमंत्री कार्यालय को पठाइता बेले विमान उड़ा नहीं मुख्यमंत्री ग्रीन सिग्नाल सारी ओडिशा को नहीं राज्य सरकार को टार्गेट कले कांग्रेस विधायक सुरेश राउतराय जानकी बाबू समय राज्य में सब् शिल्पर विकास होती है नवीन बाबू समय शिल्पर विकास नहीं राज्य 18,000 शिल्प बंद हो पड़ता कांग्रेस अभियोग कर मेक इन ओडिशा नारे राज्य सरकार केवल साधारण लोकों अर्थ खर्च कर कांग्रेस विधायक सुरेश राउतराय जमती सतिकी नवीन बाबू बीजेडी दल पैसा करुंते ये गरीब जनसाधारण पैसा कि पब्लिसिटी भुवनेश्वर पड़ा उठिला कि आरेंजमेंट कि लाइटिंग कि स्टेज कहे 163 एमयू है केतुटा है आज 9 सूताकल बंद आज 7 चीनिकल बंद नयागढ़ 18,000 शिल्प ओडिशार इना बंद नवीन पट्टनायक समय रे विदेश में डांस स्वप्न देखा ठके राजधानी में महारी नृत्य शिल्पी शेफाली महांती विरोध में ठके अभियोग उत्कल दिवस पर दुबई और सिंगापुर में कार्यक्रम होगाक मारे 3.5 लाख टंका अभियोग आनी पल्जन एक्सप्रेसन डांस एकाडेमी 21 जन नृत्यशिल्पी प्रथम लक्ष्मीसागर थाना उपर डीसीपी सिपी पाखे अभियोग कटकू नकली मेडिसिन जबत मामला घटना तदंत कर प्रवर्तन निर्देशालय निज आड़ मामला रुजू कर प्रवर्तन निर्देशालय घटन तदंत कर जहां प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्डरिंग ईडी मामला रुजू कर घटन राज्य बारर लिंक ईडी तदंत कर किसीदिन तेज नकली मेडिसिन जबत घटन मुख्य अभियुक्त शिव जेना को गिरफ्त करता क्राइमब्रांच एसटीएफ अभियोग प्रमाण आधार में शिव पत्नी समेत अगर 2 कर्मचारी गिरफ्त कर
ସେପଟେ ଷ୍ଟାଫ୍ ସିଲେକ୍ସନ କମିଶନର ଦୁର୍ନୀତି ପ୍ରଶ୍ନକୁ ନେଇ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଛନ୍ତି ବିଜୟ ମହାପାତ୍ର। କେବଳ ଫିଏସ୍ ନୁହେଁ, ସମସ୍ତ କମିଶନଙ୍କ ସଦସ୍ୟ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ବିଜୟ। ଓଡ଼ିଶାର ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ପିଲାଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ଏଥିରେ ଅନ୍ଧାର ହୋଇଗଲା। କମିଶନ ନିଜ ଆଡ଼ୁ ଭିଜିଲାନ୍ସ ତଦନ୍ତରେ ସମ୍ମୁଖୀନ ହୁଅନ୍ତୁ। ଏହି ଦୁର୍ନୀତି ଯେବେଠୁ ଚାଲିଛି ଆଉ ଯେଉଁ ଯେଉଁ କମିଶନ ଏଥିରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ତଦନ୍ତ ପରିସରଭୁକ୍ତ କରାଯାଉ ନଥିଲେ ତ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ତାଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ବହିଷ୍କାର କରନ୍ତୁ, ନହେଲେ ଯେତେ ଅଧିକ ଦିନ ସେ ରହିବେ ଓ ତଥ୍ୟ ପ୍ରମାଣ ନଷ୍ଟ କରିବେ। କମିଶନ କାଠଗଡ଼ାରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଛନ୍ତି। କିପରି ସ୍ୱଚ୍ଛ ଅବାଧ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ନିଯୁକ୍ତି ମିଳିବ ତାର ଏକ ସ୍ଥାୟୀ ପ୍ରତିକାର କରାଯାଉ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଜୀବିକାକୁ ନିଲାମ ନ କରନ୍ତୁ, ଷ୍ଟାଫ୍ ସିଲେକ୍ସନ କମିଶନରେ ଜୀବିକାକୁ ନିଲାମ କରାଯାଉଛି। 10 ବର୍ଷ ହେବ କମିଶନରେ ଏପରି କେଳେଙ୍କାରୀ ଚାଲିଥିଲା। ଭିଜିଲାନ୍ସ ଓ ପବ୍ଲିକ ନୋଟିସ୍ ଜାରି କରନ୍ତୁ, ଯେଉଁମାନେ ଏଥିରେ ଶିକାର ହୋଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉ। ତଦନ୍ତରେ ଜଣେ ପ୍ରାଇଭେଟ ସେକ୍ରେଟାରୀ ଧରା ପଡ଼ିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏଥିରେ ଏ ଘଟଣାରେ ଦୁର୍ନୀତିରେ ସାରା କମିଶନ ହିଁ ସମ୍ପୃକ୍ତ। ଜଣେ PS କେବଳ ଏଠି ଦୁର୍ନୀତି କରୁନଥିଲେ, କମିଶନର ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ଏବଂ କମିଶନର ଯେଉଁମାନେ ସଭ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ତଦନ୍ତ ପରିସରଭୁକ୍ତ ତୁରନ୍ତ କରାଯାଉ। ସେମାନେ ଯେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଅଫିସରେ ରହିବେ ସେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତ କାଗଜପତ୍ର ନଥିପତ୍ରକୁ ସଜାଡ଼ିବା ପାଇଁ ସମୟ ପାଇବେ ନିଜ ସପକ୍ଷରେ। ସେମାନେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ତଦନ୍ତର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବା ନିଜ ଆଡ଼ୁ ଆବଶ୍ୟକ। ଯଦି ନିଜ ଆଡ଼ୁ ହେଉନାହାନ୍ତି ସରକାର ତୁରନ୍ତ ତାଙ୍କୁ ବାହାର କରନ୍ତୁ ସେଠୁ ଏବଂ ତଦନ୍ତର ସେମାନେ ସମ୍ମୁଖୀନ ହୁଅନ୍ତୁ। ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଁ କାନ ଧରି ଆଣ୍ଠେଇ ପ୍ରତିବାଦ କଲେ ଭିଡ଼ ଶିକ୍ଷକ। 7 ବର୍ଷ ହେଲା ନିଯୁକ୍ତି ବିଜ୍ଞାପନ ବାହାରି ନଥିବାରୁ SSTET ପାସ୍ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ କ୍ରୀଡ଼ା, ହିନ୍ଦୀ ଓ ସଂସ୍କୃତ ପାଇଁ ନିଯୁକ୍ତି ବାହାରି ନଥିବାରୁ ବେକାର ହୋଇ ବସିଛନ୍ତି। ଏ ନେଇ ମନ୍ତ୍ରୀ ଓ ସଚିବଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ଦେଖା କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ କିଛି ଶୁଭ ନ ମିଳିବାରୁ ଏଭଳି ଅଭିନବ ଉପାୟରେ ଆଜି ପ୍ରତିବାଦ କରିଛନ୍ତି। ବିଏଡ୍ କ୍ୱାଲିଫାଏ ଓ ଷ୍ଟେଟ୍ କ୍ୱାଲିଫାଏ କରିଛି ଆଉ 2017-2021 ଗତ 7 ବର୍ଷ ହେଲା ବାହାରିନି ପୋଷ୍ଟ ଆମର। ତ ଆମର ମୁଖ୍ୟ ଦାବି ହେଉଛି ଏଇ ଅଗଷ୍ଟ 20 ସୁଦ୍ଧା ପୋଷ୍ଟ ବାହାରୁ, ବିଜ୍ଞାପନ ବାହାରୁ। ପୋଷ୍ଟ ସାଙ୍କ୍ସନ୍ ହୋଇସାରିଛି, ଜାନୁଆରୀରେ ସାଙ୍କ୍ସନ୍ ହୋଇକି 8 ମାସ ହେଲା ବିତିଗଲାଣି କିନ୍ତୁ ପୋଷ୍ଟ ବାହାରୁନି। ମାନେ ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗର ଚରମ ଅବହେଳା ପାଇଁ ଏଭଳି ହେଉଛି ବୋଲି ଭାବୁଛି? ନିଶ୍ଚିତ ନିଶ୍ଚିତ ଅବହେଳା କରୁଛନ୍ତି ଆମକୁ। ନହେଲେ 7 ବର୍ଷ ହେଲା ଆମେ କ୍ୱାଲିଫାଇ କରିକି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବସିଛୁ, ଯଦି ପ୍ରତି 7 ବର୍ଷରେ ଥରେ ଥରେ ପୋଷ୍ଟ ବାହାରେ ତାହେଲେ ପିଲା କେତେ ହେଲାଣି? ତ ପିଲା ବୁଡ଼ି ହେଇଯିବ ସିନା ଚାକିରି କରିପାରିବେନି। 25 ଦିନ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ କରୁଥିଲୁ ଏବଂ 17 ଦିନ ହଙ୍ଗର ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ କରୁଥିଲୁ, ତେଣୁ ଆମର ଏତେ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ କରିଲା ପରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଜାନୁଆରୀରେ ଆମର ଫାଇନାନ୍ସ ପାସ୍ କଲେ, କହିଲେ ଯେ ତୁମର 4 ମାସ ଭିତରେ ସବୁ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସରିବ, କିନ୍ତୁ 4 ମାସ ଗଲା ପରେ କିଛି ହେଲାନି। ଆମେ ପୁଣି ଏପ୍ରିଲ ମାସରେ ଯେ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ କରିଥିଲୁ ସେତେବେଳେ କୁହାଗଲା ତୁମେ 15 ଦିନ ଭିତରେ ବିଜ୍ଞାପନ ସରିବ, ଜାନୁଆରୀଠୁ ଆଜି ଅଗଷ୍ଟ ହେଲା, ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛି ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆମର ଦାବି ଆମର 20/8/2021 ସୁଦ୍ଧା ହିନ୍ଦୀ ସାଂସ୍କୃତ PT ବିଜ୍ଞାପନ ବାହାର କର ଆଜି, ଆମେ ନହେଲେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆମେ ଏଜୁକେସନ୍ ସେକ୍ରେଟାରୀ, ଏଜୁକେସନ୍ ମିନିଷ୍ଟର ଏବଂ CM ଗ୍ରିଭାନ୍ସ ଆମେ ଘେରାଉ କରିବୁ, ହଙ୍ଗର ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ରେ ବସିବୁ। କରୋନା କଟକଣା ମଧ୍ୟରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ଧର୍ମାନୁଷ୍ଠାନ ଖୋଲୁଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଏ କ୍ରମରେ ଆଜି କଟକର ଧବଳେଶ୍ୱର ଓ ଜଗତସିଂହପୁର ମା ସାରଳାଙ୍କ ମନ୍ଦିର ଖୋଲୁଛି। ଆଜିଠାରୁ କଟକଣା ମାନି ଭକ୍ତମାନେ ମନ୍ଦିରରେ ଦର୍ଶନ କରିପାରିବେ। ତେବେ କରୋନାର ଦ୍ୱିତୀୟ ଲହର ଯୋଗୁଁ ମନ୍ଦିର ବନ୍ଦ ଥିବା ବେଳେ ଭକ୍ତମାନେ ଠାକୁରଙ୍କ ଦର୍ଶନରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେଉଥିଲେ। ତେବେ ଅଗଷ୍ଟ ଗାଇଡ୍ଲାଇନ୍ରେ ମନ୍ଦିର ଖୋଲିବାକୁ ଅନୁମତି ମିଳିଥିବା ବେଳେ ଆଜିଠୁ ଭକ୍ତମାନେ ବାବା ଧବଳେଶ୍ୱର ଓ ମା ସାରଳାଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରି ଆଶିଷ ଲାଭ କରିଛନ୍ତି। ସମୟ ସରିଛି, ଅର୍ଗ ସୁପରଫାଷ୍ଟ ପେଟ ରଖୁଛୁ, ନମସ୍କାର।